When we start standard 6 math chapter number 9 geometric figure, previous class में हमने angles के बारे में पढ़ा था, vertex के बारे में पढ़ा था. अब हम उसकी exercise start कर रहे हैं. Name each of the following angles in 3 ways. आपको ये angle 3 ways में लिखने हैं और आपको ये ध्यान में रखना है, vertex हमेशा कहाँ पर आता है, middle में. तो अपना first क्या आएगा, angle A B C या angle C B A और angle B. सेकेंड है पी आर क्यू, तो फर्स्ट हम लिखेंगे पी आर क्यू, सेकेंड आर, थर्ड क्यू आर पी, इस तरह से हम नोट डाउन करेंगे. एल एम एन, एंगल एल एम एन, एंगल एन एम एल और एंगल एम, इस तरह से आपको नोटबुक में प्रॉपर फिगर बनाने हैं पेंसिल से. और ये सारा वर्क आप पेन से कर सकते हैं, बट ये वर्क है. और ये वाले जो नेमिंग है वो आपको पेंसिल का यूज. नेक्स्ट, नेम सिक्स एंगल इन द डायग्राम दैट हैव ओ इज अ वर्टेक्स. आपको सिक्स एंगल्स बताने हैं जबकि आपका ओ वर्टेक्स है. तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, सेकेंड एंगल बी ओ सी, थर्ड एंगल सी ओ डी, फोर्थ एंगल हमारा बन रहा है बी ओ डी, फिफ्थ एंगल है हमारा सी ओ ए, और सिक्स एंगल मेजर एंगल जो बनेगा हमारा एंगल ए ओ टी. इस तरह से हम ये पूरे एंगल्स के नाम भी लिखेंगे और ये फिगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है. लिस्ट द पॉइंट दैट आर द इंटीरियर ऑफ एंगल यू. ये एंगल यू दिया हुआ है, इसके आपको इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट लिखने हैं. इंटीरियर पार्ट हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो एंगल के इंटीरियर रीजन में होते हैं वो इसके इंटीरियर पार्ट कहलाते हैं, और जो एक्सटीरियर रीजन में है वो एक्सटीरियर. अब इंटीरियर ऑफ एंगल यू, तो कौन कौन से दो हैं पॉइंट है हमारे, ए एंड बी. वी कैन राइट हियर ए एंड बी. सेकेंड, द एक्सटीरियर ऑफ एंगल यू, वी कैन राइट एक्सटीरियर पी एंड क्यू दैट लाई ऑन एंगल यू. तो कौन कौन से तीन पॉइंट हैं, एस यू एंड टी. ओके, द फिगर शो अ सर्कल डिवाइडेड फोर इक्वल पार्ट पी ओ क्यू क्यू ओ आर आर ओ एस एंड एस ओ पी बाय द लाइन्स पी आर एंड एस क्यू. वॉट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉर्म्ड एंगल एट ओ पी. अब आपको ये देखना है कि आपको पता है सर्कल का कितने एंगल का डिग्री का फॉर्म होता है, 360 का, और कितने एंगल हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो डिवाइडेड किससे करेंगे, 4. तो जो एक एंगल है, कोई भी एक पार्ट का एंगल, वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री. 360 डिवाइडेड बाय 4 इज कम 90 डिग्री. तो जो हर एंगल है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का. फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टर्न व्हेन वी टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और आपको डायरेक्शन वाइज एंगल्स बताने, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. नॉर्थ टू ईस्ट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ 180 डिग्री. फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए 90 का बाइसेक्ट है, हाफ है, तो कितना आएगा, 45 डिग्री. फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, ये 90 90 180 180 प्लस 45 इज कम 225 डिग्री. फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट दैट मीन्स 180 डिग्री. नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, ये पूरा पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 45 45, 90 90 90 एंड 180, 270 डिग्री. आपको ये भी फिगर बुक में बनाना है और प्रॉपर इस तरह से लिखना है. व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूमरल एंड अ क्लॉक टाइल. क्लॉक टाइल में टू एडजेसेंट एंगल कितने के होंगे, तो इसमें देखिए कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट है आपके 360, टोटल एंगल पूरा कितने का बनता है सर्कल का, 360 डिग्री. एंड हाउ मैनी पार्ट, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 12.
30 डिग्री आपका जो एडजेसेंट न्यूमरल होगा ऑन अ क्लॉक डायल में, एक पी एक क्लॉक डायल के बीच में जो फॉर्म होगा वो कितने का होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। बस थ्रू व्हाट एंगल डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन वन आवर, दैट मीन्स आपका ये वॉच है 12, 6, 3 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये देखिए, जब कोई भी एक बजता है तो ये हमारा स्मॉल है 1 आवर में, तो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। ओके, एंड 20 मिनट्स, आपको पता है ये कितने के काट इसके हैं और हर के बीच में कितने का डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। तो कितना एंगल फॉर्म होगा 20 मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं आपके 60 मिनट में, जब वो 30 डिग्री बना रहा है तो आपका 20 मिनट में वो कितना बनाएगा। देखिए यहाँ से 5, ये तो कितने डिग्री फॉर्म हो गए इसके, 10 डिग्री। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल्स मेज़र करनी है आपको, बुक के एंगल दिए हुए हैं वो आपको मेज़रमेंट करने हैं और बताने हैं कि वो कितने एंगल हैं। तो ये आप बुक में से मेज़र करेंगे और फिर नोटबुक में बनाएंगे। ये देखिए एंगल कैसे मेज़र करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ करके। ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट पे हम ये एंगल सेट करेंगे। तो फर्स्ट देखिए कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री, आपको ये दिख रहा है 90 डिग्री पे, तो यू कैन राइट हियर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का आपको नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट है ये इसके मिडिल में सेट करते हैं, कभी भी आप लोग इसको इस तरह मत रखिएगा, इसका सेंटर पॉइंट हमेशा यहाँ पे आना चाहिए। ये आपका मेज़र कर रहा है 130 डिग्री। नेक्स्ट 60 डिग्री, ये देखिए इस तरह से ये मेज़र करेंगे इस वाले एंगल को, ये कितना बता रहा हमारा, 60 डिग्री। नेक्स्ट ये देखिए ये पूरा कितना बता रहा है, 180 डिग्री, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो हमारे एंगल को प्रोटेक्टर को भी हम उल्टा रख देंगे, मेज़र करेंगे तो ये बता रहा हमारा 130 डिग्री। ये लिटिल वाला देखिए, छोटा सा एंगल है हमारा, हम इसको ऐसे मेज़र करते हैं, ये हमारा बता रहा है 30 डिग्री। इस तरह से आप मेज़र करेंगे और ये एंगल आपको नोटबुक में भी बनाने हैं। आपको कैसे एंगल्स बनाने हैं वो देखना है। फर्स्ट जैसे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यू कैन ड्रॉ द लाइंस इस तरह से, आप लाइन बनाएंगे फर्स्ट, उसके बाद यहाँ से मिडिल सेंटर में इसको रखेंगे एंगल को, प्रोटेक्टर को, और 60 डिग्री पे इंडिकेट करेंगे। ये देखिए ये 60 डिग्री पे हम इस तरह से लाइन को मिलाएंगे, एंगल मेज़र करेंगे। ये देखिए एग्जैक्टली 60 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है, इसको नेमिंग देंगे एंगल बी ए एंड सी, ये एंगल बना हमारा 60 डिग्री। आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा 120 डिग्री। देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन
ओके वी पुट द प्रोटेक्टर सेंटर पे रखेंगे। आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है 120 का, तो आप 90 से मोर देन जाएंगे 90 100 110 120 ओके मार्जिन कर देंगे। ये हम बनाएंगे 120 डिग्री। ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल 120 डिग्री ओके। अब नेक्स्ट है हमारा 30 डिग्री। ड्रॉ अब ये हम ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे इंडिकेट करेंगे। ए बी सी आप ये अल्फाबेट कोई भी नाम दे सकते हो लेकिन वर्टेक्स हमेशा मिडिल में आना चाहिए। एंगल ए बी सी इक्वल 30 डिग्री। बाकी के जो आपके बुक में दिए हुए हैं 170, 150, 180, 105 ये आपको खुद नोटबुक में बनाने हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरो एंगल्स एन एंगल हुज अ मेजर इज ज़ीरो डिग्रीज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। अगर कोई एंगल ज़ीरो डिग्री का है मैट दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो एंड हो रहा है, तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है वहीं पे रुक गया है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? ज़ीरो डिग्री का एंगल। तो एन एंगल हुज अ मेजर इज ज़ीरो डिग्री इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। आपको ये एंगल बनाने भी हैं नोटबुक में और ये डेफिनेशंस भी आपको लिखनी है। एन एक्यूट एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से जो भी कम है लेस देन एंगल है वो कौन से एंगल कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। इसका बहुत यूज़ है आपका और आप प्रॉपर इनको जब आपको एक्यूट एंगल बनाने को बोला जाता है तो हमेशा याद रखिए लेस देन 90 आएगा और ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो मोर देन 90। एन एक्यूट एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री। ये देखिए 90 से लेस देन है तो ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। जैसे 40, 30, 60 ये सारे कौन से एंगल हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। इट इज़ अ इंडिकेट बाय द सिंबल दिस। जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री का है जैसे आपके प्रोटेक्टर में ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा? राइट एंगल ऑलवेज। और लेस देन है 90 के तो एक्यूट। एंड ऑब्ट्यूज एंगल मेजर मोर देन 90 एंड लेस देन 180। अगर वो 90 से ग्रेटर है और 180 से मोर देन लेस देन है तो वो कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर वो 91 डिग्री भी एंगल है तो वो ऑब्ट्यूज कहलाएगा, वो राइट एंगल नहीं कहलाएगा। और अगर वो 89 है तो वो एक्यूट कहलाएगा, राइट एंगल नहीं कहलाएगा। लेस देन 90 दैट मीन 89 है वो एक्यूट एंगल है और 91 है वो कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। आपको ये नोटबुक में लिखना भी है और ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न भी करनी है। स्ट्रेट एंगल एन एंगल इक्वल टू राइट एंगल। अगर दो एंगल्स टू राइट एंगल के इक्वल हैं या वन स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो ये कौन सी एंगल है? स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं ओके। और रिफ्लेक्स एंगल मेजर बिटवीन 180 एंड 360। 180 से इस तरफ की ओर एंगल जा रहा है नीचे की ओर तो वो कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल ओके। एंड कंप्लीट एंगल एक कंप्लीट एंगल इज अ फॉर्म व्हेन द रे ओ ए हैज़ अ मेड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द फिक्स पॉइंट।
O after starting from the fixed initial position OA, the measure of complete angle is 360 degree. देखिए इस तरह से जब ये OA पूरा complete round लेके आ रही है और यहाँ पे stop हो रही है तो वो complete angle form कर रही है, जैसे आपका bicycle का wheel पूरा turn लगाता है, चक्कर लगाता है, तो वो complete angle form करता है, तो ये कहलाता है हमारा complete angle. आज हमने कितने एंगल्स के बारे में पढ़ा है? फर्स्ट जीरो एंगल जो कि ज़ीरो डिग्री के होते हैं, नेक्स्ट अक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, राइट एंगल इक्वल टू 90, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू टू राइट एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री, रिफ्लेक्स मोर देन 180, लेस देन 360 और कंप्लीट एंगल द All fully complete angle is 360 degree. इसका ये आपको नोटबुक में पूरे एंगल्स की टाइप्स ऑफ लिखने हैं और इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.